नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। जी दोस्तों, अब जीएसटी की वेबसाइट पे अगर आप अभी तक परेशान हो रहे थे ईवी बिल बनाने को लेकर, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जीएसटी की वेबसाइट पर एक एडवाइजरी लॉन्च की है ईवी बिल सेकेंड पोर्टल को लेकर, जो कि एडवाइजरी थी 28 मई 2024 की। अब ये ईवी बिल का जो सेकेंड पोर्टल है, अब वो 1 जून 2024 से अवेलेबल हो जाएगा। और अभी तक हम जो ई वे बिल बना रहे थे वो इस वेबसाइट पर बना रहे थे evbill.gst.gov.in, और अब जो सेकंड पोर्टल है अभी इसके अंदर evbill.second.gst.gov.in, यानी कि एक तरीके की सेकंड पोर्टल दूसरी वेबसाइट भी गवर्नमेंट ने ई वे बिल बनाने के लिए तैयार कर दी। तो ऐसे में क्या, जो हमारा पहले वाला जो ई वे बिल का जो सिस्टम था, इसके अंदर जो हमारा लॉग इन यानी कि जो यूजर आई डी और जो हमारा पासवर्ड था, क्या वो हमारा एक्सपायर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो अभी तक हमारा इस ईवी बिल सिस्टम के अंदर जो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड था, सेम वही पासवर्ड हमारा इस सेकंड पोर्टल के भी वर्क करेगा। सेम डाटा आपका सिंक्रोनाइज इसके अंदर रहेगा। आपने अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट वेबसाइट पे जाके कोई ईवी बिल बनाया था, तो आप सेकंड पोर्टल पे भी जाके उसका प्रिंट ले सकते हो। सेकंड में बनाया फर्स्ट पे जाके आप उसका प्रिंट ले सकते हो। दोनों वेबसाइट का जो डाटा आपस के अंदर बिल्कुल जो सिंक्रोनाइज रहेगा, आपस के अंदर डाटा आपका मिलान होता रहेगा। अभी इसके अंदर आप काफी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है भी इस सेकंड पोर्टल के अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। मेन वजह यही थी भी एक सिंगल पोर्टल था और सिंगल पोर्टल के ऊपर भार बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से क्या था भी जो सप्लायर्स था वो अपने बायर्स को टाइमली जो गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन वो टाइम पे नहीं दे पा रहा था। वजह क्या थी, ये थी भी ईवी बिल टाइम पे नहीं बनते थे, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियां उनके गोदाम पे ही खड़ी रहती थी। लेकिन अब आपको ऐसी समस्या 1 जून 2024 के बाद शायद देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सेकंड पोर्टल अब आपके लोग पास आ जो आ जाएगा। आप अगर फर्स्ट अगर वर्क नहीं करा तो सेकंड भी आपका वर्क करेगा। और दोनों वेबसाइटों का अगर लिंक ईवी बिल का आप अपने पास जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उनके साथ भी आप लिंक कर पाओगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास केवल ये सिंगल था और केवल ये सिंगली हमारा जो वेबसाइट का लिंक था वो हमारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ अटैच था, तो डायरेक्ट वो एक ही हमारी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हमें कर देता था। लेकिन अब आपको ये दोनों लिंक है जो अवेलेबल वहां पर भी हो जाएंगे। और उसके बाद में इस जीएसटी के वेबसाइट की अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर ये पूरी डिटेल ईवी बिल जो सेकंड पोर्टल है उसके बारे में बताया गया, और यहाँ पर इसका लिंक भी दिया हुआ है, और इसके अंदर क्या कुछ डिटेल्स आपको मिलेगी, क्या इसके अंदर आपको फैसिलिटी मिलेगी, वो सारी यहाँ पर इस पीडीएफ फाइल के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब आपको चिंता करने की ये बात भी नहीं है भी अगर आपका जो फर्स्ट जो वेबसाइट थी ईवी बिल सिस्टम की उसका यूजर आईडी या पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। आप फर्स्ट पे बना के सेकंड में प्रिंट ले सकते हो, सेकंड के अंदर अगर आपने पोर्टल पे बना दिया फर्स्ट के अंदर आप प्रिंट ले सकते हो। ए पार्ट आपने फर्स्ट पोर्टल पे बना दिया तो सेकंड बी पार्ट है आप उसका सेकंड पोर्टल पे भी आप बना सकते हो, यानी कि डाटा आपस के अंदर सिंक्रोनाइज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने एक ईवी बिल का सेकंड पोर्टल है जो लॉन्च कर दिया, और वो डेफिनेटली वर्किंग करेगा 1 जून 2024 से।